असलामुअलैकुम, आज जुम्मे का दिन है और हम नमाज पढ़ने के बाद बताने जा रहे हैं हरजाई से कि मेरे कज़न को क्रिकेट का शौक है। पता नहीं, बहुत से पाकिस्तानी हैं जो क्रिकेट का मैच खिलाते हैं। वैसे थाईलैंड में क्रिकेट का लोगों को इतना पता नहीं है, फुटबॉल ही खेलते हैं। तो ये पाकिस्तानी ने अपनी टीम बनाई है, बताने की टीम बनना चाहिए। तो हमारे साथ है बिलाल भाई काचरी आंखों वाले, जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। और ये शेरजील भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें अभी आगे की न्यूज़ इस वीडियो में। ये भाई इर्तगल के बहुत बड़े फैन है, तो उस वजह से हमें गाना सुनना पड़ रहा है। अभी तकरीबन 50 किलोमीटर रह गए पतानी जाने को, राइट? 70। और असल में सदर थाईलैंड के तीन मुसलमान मेजॉरिटी सूबे हैं, जहाँ पे पठान भी काफ़ी है, पतानी, याला, दासीबाग और हजाई से हम जा रहे हैं। तो ये आप कौन सी टीम की तरफ से खेलते हो भाई? पतानी की टीम की तरफ से। और जो टीम हारती है वो जीती हुई टीम को खाना खिलाती है। और भाई बिलाल भाई एक बात बताए, आगे आए थोड़ा सा यार, कोई इतना भी किसी पे पैशन हो सकता है कि हर हफ्ते 100 किलोमीटर ड्राइव करके जाए सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, और आगे बार बार टीम हारे थी? जीत के आते हैं। अच्छा, ये जीत के आते हैं। लास्ट वीक में मैं नहीं था, मैं नहीं खेला, हमारी टीम हारी। अच्छा, यानी कि मेन प्लेयर आप ही है? जी भाई, चले आगे। फिर आज आपका मैच भी रिकॉर्ड करेंगे। मैं पहली दफा जा रहा हूँ, आई हेट क्रिकेट। जरा ताला लगी थे बारात के बाबू क्रिकेट कोहली सी जरा तो ऐसा नहीं जाने वाला ना तो होने लगी अल्लाह के हक में जरा बंदे अच्छा थी यार। ये अजीब मौसम नहीं है इधर का? हरजाई पे बारिश हुई थी और इधर धूप है अच्छी खासी। जी हमारे बड़े कहते हैं कि आयरलैंड के मौसम और हुकूमत का कोई एतबार नहीं। दीप के कैप्टन जो है वो सिगरेट पी रहे हैं। तेना चढ़ाइए। चढ़ावागा। ला ला। मैच की जगह मैं अपने पुराने दोस्त से मिल गया, बंटू भाई। तो ये अपना बाकी का इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। जी बंटू भाई। हाँ जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं बंटू, इन्हों का दोस्त, नाम मेरा बलवंत सिंह है, थाईलैंड तो हूँ मैं, तो है मैं सिख हाँ, ठीक है। तो बाकी मेरे दोस्त आए ने दूरों, मिलन आए, असं अज मैच खेलन डे हैं, तो बस मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताएं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, पीछे आप मतलब आपके अबाव अजदाद कहाँ के थे? देखो बैकग्राउंड जो 1947 से, तो पहले मतलब मेरे जो परदादा थे वो तो मतलब लाहौर के थे ना, मैं बीच पंजाब था, पूरा एक था। अच्छा। खुशहाल था सब कुछ। तो आप लाहौरी हैं? हाँ, मेरे पीछे परदादा टाइप हो गए वो लाहौर के थे, बाकी नानके हैं जो मेरे वो पंजाब के, इधर मतलब जो इंडिया में अभी। तो थाईलैंड में आप? थाईलैंड में परदादा जो है 1947 के बाद थाईलैंड में बस गए थे। अच्छा। तो अच्छा। उनका फिर मतलब लड़ी बाई लड़ी मतलब मैं। अच्छा, बाई मतलब थाई नेशनल? हाँ, नेशनल, थाई नेशनल हो गया। चले, तो बाकी सरदार हूँ मैं, सिख हूँ।
कितनी बारी दसना तो नहीं प्राउड है। अच्छा तो कैसा लगता है हम ये जो पठान पंजाबी ये साथ सारे? नहीं हम दिल में ऐसे नहीं रखते हैं पठान पंजाबी, इंसानियत को हमारे जो बाबा जी हैं गुरु नानक देव जी जो उन्होंने तो यही बताया कि इंसानियत इंसानियत को महत्व देना चाहिए। पर ताड़े अंदर तो इंसानियत कोई नहीं। नहीं वो तो आपको पता मतलब है हमारे अंदर इंसानियत, हम दिखाते नहीं है, दिखावा नहीं करते। अच्छा। हम तो यही चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। इंसानियत सबसे जरूरी होती है, बाकी तो ये पॉलिटिशियन वाली बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा ये वो। दुनिया में एक बार आए हो, प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, कल किसने होना है या नहीं होना है वो तो रब ही जानता है। वो तो सीरियस नहीं हो गए? नहीं सीरियस की बात नहीं है, बाकी आज मैच चल रहा है, देखो मौसम देखो कितना अच्छा मौसम चल रहा है, बस दो तीन छक्के तो मैं मार के आया हूँ अभी, बाकी ठीक है वो। ओके भाई इससे आगे कभी उस देखते हैं, मैं इधर मैच देख के आया, एक सरदार जी से मिला और एक अपने श्रीलंका के भाई से। तो ये भाई अपना इंट्रोडक्शन खुद ही बता देंगे। यहाँ पे ये स्टूडेंट है श्रीलंका से, इनको स्कॉलरशिप मिली, सो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? या अस्सलाम वालेकुम। या दैट्स फाइन, आई एम मुस्लिम। या I'm Sajid from Sri Lanka. Now I'm studying here in Thailand at Prinsep Songlai University. It's my bachelor degree. So, what's your opinion about Pakistani people? Yeah, actually, my favorite game is cricket. Okay. When I was in Sri Lanka, I used to play cricket, and then after I came here, I really missed. And then I asked my friends in university for the education faculty, physical education, and then one of my friends introduced Ali. Ali, okay. Yeah, because she was studying here. She graduated from here, and then she said, okay, they have some study people, they are playing cricket here, and then so I got really happy, and then I came here, and then I met Ali, and then he said, yeah, every Friday we are playing cricket with our Pakistani friends all together here, and so he said you are welcome to play with us. Great. So I really glad and really happy, appreciated, and then I came the first I played, and then now it's really it's getting fun. Are you a like batsman or a bowler? All rounder. This when I was in Sri Lanka, but after that two years ago I got injured in my knee. Okay. So that's why I cannot run fast. I can't run faster. Yeah. So I just now medium bowler. Okay. Medium bowler. I pass faster, and then batting is quite because in Sri Lanka we played just tennis ball. Okay. It's a tape ball. It's quite different. Tape ball, yeah. So the first time when I go to the bat, it's like excited, and then it's good. I think that's good. Yeah. So now it's going really fine, and it's really, really so nice. So, I'll repeat my question. What do you think about Pakistani people here? Are they friendly or? Yeah, of course they are friendly. Yes, according to me, in the grounds, okay. Whatever we are talking, whatever we are. It's only the grounds. Yeah, only the grounds. After the. Like, we are you find the ground, and when you leave there, everything is finished. When we're leaving the grounds, everything finished, and okay. Then we. So, at least there's a fight here. Okay. And have you tried Pakistani food? Yeah, I have tried. After we finished playing here, and then we tried Pakistani. I don't know what you call the same like cow mug in Thailand. Biryani. Biryani. That's biryani. Okay. Yeah, biryani and roti. Oh, you like? Yeah, it. It's both. We tried. I have tried here. Okay. With them. With my friends. Is it similar to Pakistani food? Pakistani food. Is it similar to Sri Lankan food? Sort of. I don't think so. Oh, it's totally different. It's totally different. So thank you very much. Okay. Thank you for your time. So don't forget to subscribe my channel. Okay. Okay. Thank you. मैच के बाद अभी खाना खाने जा रहे हैं, तो मुझे तो क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह कुछ भी खेलना नहीं आता,
इन भाई ने अपना, बिलाल भाई ने अपना खाना हलाल किया है, दो बंदे भी आउट किए, बैटिंग भी किया आपने भाई या नहीं? नहीं सर, बैटिंग नहीं, बैटिंग नहीं की। चले अभी फ्री का खाना खाते हैं जो करने आए थे। नमाज पढ़ के खाते, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। चले अच्छा भाई, नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ के फिर बाद में खाना खाते हैं। हम जीते हैं ना इस खुशी में, इधर देख के बोले जी जी हम जीते हैं। इसी मैं ठाकरे के आई बॉलिंग नहीं की थी यार मेरा। अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, हमारी वापसी है हजाई तकरीबन 100 किलोमीटर है इधर से दोबारा। मैं तो थक गया हूँ, जाते साथ ही सोऊंगा। आपका कोई प्रोग्राम है भाई जी? आपका कोई प्रोग्राम है? मेरा जी अजय पहुँच के सोना है, घर जाके नहा के फिर सो जाना है। सो जाना बस, मेरा भी यही हाल है। फिलहाल भाई आपका मूड कोई है? खुश है सब? खाना खाने एक दफा और। गुड डे भाई, मैं खुश हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हरी भाई आप भी करते हैं सफर।